हरियाणा किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज महापंचायत होगी। कुरुक्षेत्र के पीपली में ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत को देखते हुए कैथल और कुरुक्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं कल करनाल के जाट भवन में किसानों ने ये रणनीति बनाई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये महापंचायत का आयोजन हो रहा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है। कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों की ये महापंचायत होगी और पूरे कुरुक्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस महापंचायत को देखते हुए इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि कल करनाल में बैठक थी जिसमें जाट भवन में किसानों ने ये रणनीति बनाई थी कि महापंचायत होगी और इसी के चलते आज कुरुक्षेत्र के पीपली में ये महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत को देखते हुए पूरे कुरुक्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और कई मांगे हैं किसानों की। ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सूरजमुखी की खरीद जो है वो MSP पर हो, ये भी किसानों की मांग है। तो कई मांगों के साथ जो है किसान महापंचायत आज करने वाले हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी है, महापंचायत आज होने जा रही है, क्या समय है और क्या रणनीति आज किसानों की तरफ से बनाई जाएगी? ये बताना चाहूंगा, जो शाहबाद में जो है किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था और उसके बाद जो है उनके नेता और जो उनके कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध स्वरूप जो है आज ये महापंचायत रखी जा रही है पीपली में, जिसमें पूरे देश से जो है किसान पहुंचेंगे। और बताना चाहूंगा इसमें राकेश टिकैत और भी जितने तमाम नेता है, जितने भी पूरे देश में संगठन है, उन सबको यहाँ पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। वहीं 11 बजे महापंचायत जो है पीपली में शुरू की जाएगी और लगभग 4 से 5 यानी कि 3-4 बजे तक इसका महापंचायत का समय रखा गया है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा महापंचायत, उसी हिसाब से जो है किसान वो अपना कार्य करेंगे। और इनमें मांग जो बताए तो सूरजमुखी की जो मांग है MSP पर जो है खरीद की जाए, वो सूरजमुखी की मांग यहाँ पर की जा रही है। और जो इनके नेता है गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी और जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा करने की जो मांग है यहाँ पर रखी जाएगी और जो भी रणनीति बनेगी वो 3 बजे के बाद लगभग किसानों की यहाँ पर बन पाएगी। जी विक्रम, वहीं अब पूरे कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर अभी किस तरह का माहौल है, पुलिस की टीमें कैसे तैनात की गई हैं और क्या पूरे शहर में धारा 144 लागू है? विक्रम, आवाज मिल रही है आपको? विक्रम, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मैम। पूरे कुरुक्षेत्र में किस तरह का माहौल है अभी विक्रम, धारा 144 क्योंकि पुलिस की तरफ से लागू कर दी गई है, तो किस तरह से टीमें तैनात की गई है पुलिस की? अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन का कल भी बयान आया था कि वह पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर ड्यूटी करेगी और लगभग अलग अलग जो 7 के लगभग राज्य हैं और जो 7 के लगभग जिले हैं उन सभी से पुलिस प्रशासन भी मंगवाया गया है। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात रहेगा और जगह जगह जो है नाके भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह किसी भी किसान को नहीं रोकेंगे, वो महापंचायत तक उनको जाने देंगे, लेकिन अगर किसान कोई भी रोड की तरफ बढ़ते हैं या कुछ और भी जो है कार्य करते हैं तो उनको रोका जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर महापंचायत करते हैं तो महापंचायत में उनको नहीं रोका जाएगा। ठीक है विक्रम, कौन कौन से जिलों से किसान जो है पहुंच रहे हैं आज? जिले की बात करें तो पूरे देश से जो है किसानों का आह्वान किया गया है। पंजाब, UP, हरियाणा और भी जो भी राज्य हैं, सब जिले, जितने भी संगठन हैं किसानों को, सबको आह्वान किया गया है। वही जो प्रदर्शनकारी है, मान लिया कोई प्रदर्शन कर रहा है, पेंशन बहाली वाले हैं, सरपंच है, उन सबको भी आह्वान किया गया है। यानी बहुत बड़ी आज की महापंचायत होने जा रही है। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारियों के लिए। सो फिलहाल आज महापंचायत है और कई मांगे हैं किसानों की जो आज वो सरकार के सामने रखेंगे। एक और बड़ी